हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉन ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज के बारे में। कुछ कीज के बारे में हम इसके पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, अब शुरू करते हैं आज का सेकंड पार्ट। तो आज की हमारी सबसे पहले शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस W। तो कंट्रोल प्लस W का काम क्या होता है, देखिए, क्लोज अ करंट डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस एप्लीकेशन एंड क्लोज करंट टैब इन ब्राउजर। इसको अपन प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस W के साथ, तो आप कि जो करंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे कैसे अपन करके देख लेते हैं, जैसे हमारा एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो अगर आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल प्लस W एक साथ प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। देखिए, हो गया क्लोज। और यही काम अपन वेब ब्राउजर के साथ कर सकते हैं। जैसा कि आपने कल पढ़ा था, कंट्रोल प्लस T से जो है नया टैब ओपन होता है, और कंट्रोल प्लस W से इसी टैब को अपन क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस W अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। देखिए, हो चुका है। तो ये तो हो गया अपना कंट्रोल प्लस W, जिसका काम है करंट डॉक्यूमेंट को ओपन करना, क्लोज करना, चाहे वो MS एप्लीकेशन हो चाहे वेब ब्राउजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस J। कंट्रोल प्लस J जो है वो होता है ओपन डाउनलोड विंडोज इन ब्राउजर एंड सेट जस्टिफाई अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका यूज हम करते हैं जो अपना ब्राउजर होता है क्रोम ब्राउजर, उसके अंदर इसकी डाउनलोड विंडो को ओपन करने के लिए। तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा ब्राउजर ओपन हो चुका है। जैसे अपन कंट्रोल प्लस J करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस J आपने प्रेस किया अपने कीबोर्ड की हेल्प से, तो आपको जो डाउनलोड विंडो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए, ये जहां पर आपके डाउनलोड्स होते हैं वो सारे विंडोज जो है वो ओपन हो जाएंगे। और कंट्रोल प्लस J का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो अपना ओपन कर रहे हैं अपन कंट्रोल प्लस ये अपना ओपन कर देते हैं, जो अपना चैप्टर ओपन था पहले से उसी को। फॉर द अलाइनमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंट्रोल प्लस J करेंगे तो अलाइनमेंट हो जाएगा। सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये अलाइनमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस H जो शॉर्टकट की होती है वो यूज होती है फॉर द रिप्लेस टेक्स्ट और ओपन हिस्ट्री। या तो अपन टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे इन MS वर्ड, और ओपन हिस्ट्री करने के लिए अपन यूज करेंगे इन द ब्राउजर। तो अपन देखते हैं ब्राउजर के अंदर। सबसे पहले जैसे हमारा ये ब्राउजर ओपन है, मान लीजिए यहां पर हमने इस पे कंट्रोल प्लस H किया है। जैसे कंट्रोल प्लस H करेंगे, यहां पर जितनी भी अपन ने हिस्ट्रीज जो हमने ओपन की है, जितने वेब पेजेस ओपन किए हैं, सारी हिस्ट्रीज आपको दिखाई देगी। देखिए, यहां पर सारी हिस्ट्रीज आपको दिख रही है। तो ये तो अपना हो गया कंट्रोल प्लस H इन वेब ब्राउजर, और वर्ड में इसका यूज करेंगे कंट्रोल प्लस H। आप करोगे तो यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए नेचुरल वर्ड जो है यहाँ पर कहीं होगा, या सिस्टम वर्ड अगर कहीं लिखा हुआ होगा, इसको हमें रिप्लेस करना है किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ। मान लो हमें को रिप्लेस करना है RON से, तो जहां जहां पर भी ये वर्ड लिखा रहेगा सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल करते ही देखिए सब जगह रोन आ गया, देख सकते हैं आप रोन। तो ये इस प्रकार से जहां पर भी सिस्टम लिखा होगा पर्टिकुलर वर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं इन द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस H। तो इसको कंट्रोल प्लस सेट कर दो ताकि वापस से वही चीज हो जाए जो हमको, जैसे कि हमने पहले से बना हुआ था। ठीक है, सिस्टम वापस आ चुका है, कंट्रोल प्लस Z से वापस रीडू कर अंडू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस G। कंट्रोल प्लस G जो है वो यूज होती है गो टू अ स्पेसिफिक लाइन और अ पेज। मतलब आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी भी स्पेसिफिक लाइन या किसी भी स्पेसिफिक पेज पर आप जा सकते हैं। जैसे कि हमने कंट्रोल प्लस G प्रेस किया अपने कीबोर्ड की हेल्प से, और आप देखिए यहां पर ऑप्शन आ गया है पेज, पेज का ऑप्शन आ चुका है, या सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, किसी भी आप जा सकते हैं। तो जैसे आप पेज पे जाएंगे तो आप पेज पर जाके, मान लीजिए आप पेज नंबर 3 पे जाना चाहते हैं, तो आप लिखोगे 3 एंड देन गो टू प्रेस किया और पेज नंबर 3 पे आप आ जाएंगे। ये अपन पेज नंबर 1 पे हैं। अगर आप पेज नंबर 3 पे जाना चाहते हो, जैसे पेज नंबर 1 पे मैंने कंट्रोल प्लस G किया, पेज नंबर 3 लिखा और गो टू गए, तो पेज नंबर 3 पे आप आ चुके हैं। पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर बुकमार्क पे आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल प्लस G का यूज कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अपना कंट्रोल प्लस K। कंट्रोल प्लस K यूज इन क्रोम ब्राउजर ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो। तो जैसे अपन कंट्रोल प्लस K करते हैं, देखिए क्या होगा, आप देख सकते हैं खुद ही। मान लीजिए हमने ओपन किया हुआ ब्राउजर, कंट्रोल प्लस K करते ही क्या होगा, देखिए कंट्रोल प्लस K करते ही आप किसी भी पर्टिकुलर
सर्च जो आपको करना है, किसी पेज को सर्च करना है तो उसको आप सर्च कर सकते हैं कंट्रोल प्लस के की हेल्प से। तो ये अपना कीबोर्ड का बहुत अच्छा यूज है, आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसका यूज करना सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की अपना कंट्रोल प्लस वाई यूज फॉर रीडू द अंडू एक्शन एंड कंट्रोल प्लस जेड अंडू द प्रीवियस सेक्शन। तो दोनों को यूज करते हैं एमएस वर्ड में, तो कंट्रोल प्लस जेड करके बताता हूं आपको। देखिए जैसे हमने इसको मान लीजिए हमने इसको बोल्ड किया तो कंट्रोल प्लस बी करना पड़ेगा बोल्ड करने के लिए। देखिए बोल्ड हो गया, साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अच्छा अब हमें इसको वापस से वैसे ही बनाना जैसा पहले था, तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे आप। ये देखिए वापस साइज छोटी हो गई, एक और बार कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो सेम साइज में पहुंच जाएंगे और छोटी हो जाएगी। देखिए और छोटी होगी साइज। अब कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो वापस वही पहुंच जाएंगे जहां से अपना वापस प्रोसेस जो इससे पहले वाली स्टेप थी। देखिए कंट्रोल प्लस वाई से और कंट्रोल प्लस वाई करेंगे और वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे सबसे पहली स्टेप थी। तो कंट्रोल प्लस वाई जो होता है वो उसको प्रोसेस को वापस सेम स्टेप पे लाके खड़ा कर देता है, और कंट्रोल प्लस जेड से अपन वापस से अंडू कर सकते हैं। तो ये थी कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू जो होता है यूज फॉर सिंगल अंडरलाइन टेक्स्ट, एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी जो होता है वो होता है डबल अंडरलाइन टेक्स्ट। देखिए आप देख सकते हैं पर कीबोर्ड के साथ कंट्रोल प्लस यू लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट और डी लिखा हुआ है। देखते करके कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें इसको करना है कंट्रोल प्लस यू किया कीबोर्ड की हेल्प से, देखिए अंडरलाइन हो गया। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से डबल अंडरलाइन हो गया। अगर कंट्रोल प्लस जेड करना है, देखिए कंट्रोल प्लस जेड से क्या होगा, सिंगल अंडरलाइन होगी। वापस से जेड करेंगे तो वापस सेम प्रोसेस पहुंच जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो आप देखिए वापस अंडरलाइन लग गई, वापस से कंट्रोल प्लस वाई किया तो डबल अंडरलाइन होगी। तो ये था अपना सेकंड कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस यू और कंट्रोल शिफ्ट और डी। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस एम इंक्रीज द पैराग्राफ इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम होता है डिक्रीज द पैराग्राफ इंडेंट, और कंट्रोल प्लस क्यू होता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, देखिए अपन सिलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ, मान लीजिए हमने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया है, पूरा पैराग्राफ हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और कंट्रोल प्लस एम करते हैं तो क्या होगा, देखिए इंडेंट चेंज हो गया पैराग्राफ का। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम करते हैं, फिर से वापिस पहुंच गए। और लास्ट वाला शॉर्टकट की था हमारा कंट्रोल प्लस क्यू, तो कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होगा, सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस क्यू से फॉर्मेटिंग सारी रिमूव हो चुकी है, जो कि फॉर्मेटिंग करी हुई, फॉर्मेटिंग का मतलब इसमें स्पेस कम किया हुआ है, ज्यादा किया हुआ है, जैसे रिमूव स्पेस कर दिया अपन ने, तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो वापस हट जाती है। तो ये होता है कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई एंड कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस ई जो होता है वो किसी भी वर्ड को या पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस ई जो होता है वो सेंट्रल अलाइन के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस आर जो होता है वो राइट अलाइन के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। देखिए मान लीजिए हमें इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करें, हमें इसको कंट्रोल प्लस एल किया कीबोर्ड की हेल्प से, कंट्रोल प्लस एल किया तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कंट्रोल प्लस आर से राइट में शिफ्ट हो गया, और कंट्रोल प्लस ई से ये मिड में शिफ्ट हो जाएगा। एल से लेफ्ट, आर से राइट और ई से मिड, ये होता है कंट्रोल एल फॉर द लेफ्ट, कंट्रोल आर फॉर द राइट एंड कंट्रोल ई फॉर द मिडिल। इससे अपन वर्ड को लेफ्ट राइट और मिडिल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये थी अपनी शॉर्टकट की, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी जो है वो है ओपन फॉन्ट इन एमएस वर्ड, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम एंड मूव इट टू द रिसाइकल बिन। मतलब पर्टिकुलर फॉन्ट की साइज को अपन बढ़ाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स, देखिए जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस डी मैंने यहाँ पे किया तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर फॉन्ट की साइज बढ़ानी हो, फॉन्ट की स्टाइल बढ़ानी हो, फॉन्ट स्टाइल में यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन ज्यादा करनी हो, डैश लाइन करनी हो, जो भी अपना पर्टिकुलर जो भी चेंजेस करना है किसी भी वर्ड, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी लाइन के साथ, तो कंट्रोल प्लस डी की हेल्प से अपन सब इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था अपना कंट्रोल प्लस डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट इज कंट्रोल पी, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जो है, कंट्रोल एफ इज यूज फॉर फाइंड द टेक्स्ट। ये किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कंट्रोल एफ यहां पर किया कीबोर्ड की हेल्प से, और हमें सर्च करना है सिस्टम वर्ड, तो सिस्टम वर्ड करेंगे अपन। आपको अगर इसमें अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, नॉट फाउंड बता रहा है। करंट सिलेक्शन में देखिए सिस्टम में मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर हमें ढूंढना है द, अगर हमें क्या ढूंढना है द वर्ड हम ढूंढना चाहते हैं, फाइंड व्हाट
THE, जहां पर द मिलेगा हमें द होगा हमको मिल जाएगा। देखिए द यहाँ पर दिख रहा है आपको, शेडेड हो चुका है, और भी कहाँ पर द है वो भी दिख जाएगा। जहां जहां आपको द वर्ड दिखेगा सब जगह आपको ये कर्सर लेके जाएगा। इस प्रकार से पर्टिकुलर वर्ड को किसी भी पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये था अपना कंट्रोल एफ। तो ये थी अपनी शॉर्टकट की। आज के लिए वीडियो ये समाप्त करते हैं। बाकी की शॉर्टकट की लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।